यही रवैया रहा ना साफियों से, जो कुछ चंद, वैसे तो साफत पाकिस्तान की है ही बदनाम, ठीक है, अगर यही सिलसिला रहा तो यकीन करें ये चंद साफी सच लिखते और बोलते हैं ना, वो भी लिखना और बोलना छोड़ देंगे। उनके बीवी बच्चे उनके उनकी माएं कहेंगी कि बेटा खुदा के लिए इस मुल्क में, जिस मुल्क में तुम सच बोल रहे हो, इस मुल्क में सच बोलने की कोई कदर नहीं होती, सच लिखना बोलना छोड़ दो। हर मामले में आप लोग सियासत करते हैं, इंसानियत को आप लोग तरजीह नहीं देते, अपनी पार्टियों को तरजीह देते हैं। हमारा मुल्क इसलिए पीछे है, इसलिए लोगों को मारा जाता है, इसलिए लोगों को ये इसलिए लोगों के साथ ये हो रहा है। आप अवाम मुनाफक हैं आप लोग। मैं आज यकीन करें, मैंने लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं, कोई कह रहा है उसके साथ अच्छा हुआ, उसने फलां की मौत पे ये कहा था, फलां यार वो तजिया निगार था, साफी था। इसका वो एक प्रोफेशन था उसका, लेकिन आज उसकी मौत पे आप उस पर ये तनकीद कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला उसकी फैमिली को सब्र जमील था।